हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये जो मेरा एनसीईआरटी सीरीज है जिसमें तुम क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। यार आज जो बात चल रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की बात चल रही है। इसमें बेसिकली 3 से 5 टाइप के सवाल होते हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं। बाय द चांस एक दो सवाल आते हैं वो कभी कभार 2-3 सालों 5 सालों में एक बार आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन है और आइसोमेरिज्म है, कभी कभी IUPAC वगैरह भी आता है। उसके बाद UG जाता है जो सबसे आखिर में है। तो मैं इसमें ये सजेस्ट करूँगा कि NCERT की एग्जाम्पल तुम्हें बार बार करने हैं। जैसे इसमें बहुत सारे IUPAC दिए हैं, आइसोमेरिज्म को तुम समझो, लेकिन जो आइसोमेरिज्म की एग्जाम्पल NCERT में दिए हैं वो एज इट इज समझो भी याद भी कर लो, क्योंकि देखा गया है कि वो वाले क्वेश्चन जो NCERT में चेक दिए हैं उनके आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा और बहुत बार आए भी हैं। तो बस यार ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो और पूरी जान लगा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे सब कुछ कंटिन्यू होगा। और रही बात ऑर्गेनिक की, तो कुछ लोग कहते हैं भैया एग्जाम्पल्स नहीं याद हो रहे हैं, न्यूमरिक्सन नहीं याद हो रही है, ये है वो है। तो 16 से 17 तारीख से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम NCERT की QIQ मार्किंग, NCERT होगी पूरी अपनी जैसे कि ये चल रही है, उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया सब कुछ मार्क रहेगा। उसको हम बहुत ही अलग लेवल पे पढ़ेंगे। रिएक्शन को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका होगा। जैसे कि तुम्हें मान लो, सपोज दैट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्लेमेंसन रिएक्शन का। तो क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या करना है? क्लीनिंग करनी है, मतलब सफाई करनी है। कैसी सफाई करनी है भैया? CO बॉन्ड है, ओ हटा दो, CO का ओ हटाओ और CH2 बनाओ। अब तुम ऐसे करके अगर याद कर लोगे, रटा दूंगा मैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे लाइन्स हैं, एक एक लाइन होगी, सवाल देखते ही तुम्हें सीधा सॉल्यूशन, तरीका, नेम, रिएक्शन तुरंत सारा का सारा याद हो जाएगा। तो बस लगे रहो। और तुम चाहते हो कि मैं शुरू करूं, तो लाइक करो इस वीडियो पे और बता दो भैया कि नेम रिएक्शन वाली वीडियो सबसे पहले बना दो। तो बस यार बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू। और अपने दोस्तों को भी